जी हाँ दोस्तों, वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। भारत चौथा देश बन गया है जो कि एक यान को चांद के सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा चुका है। भारत ने 40 दिनों के इंतजार के बाद चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा गया है, जो कि पूरी दुनिया में किसी ने भी साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह को शाम के 6:04 पर छुआ है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को सफर शुरू किया था। वैज्ञानिकों का कहना है, योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद के सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। लैंडर और रोवर 14 दिनों तक सूचनाएं भेजते रहेंगे। भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने में 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर का चंद्रमा मिशन 14 दिन तक ही चलेगा, क्योंकि चंद्रमा पर 15 दिन रात और 15 दिन होते हैं, क्योंकि लैंडर पर काफी सौर्य पैनल लगे हैं, जो कि धूप के वजह से लैंडर काम करता है। जब 14 दिन बाद रात होगी तो धूप मिलना बंद हो जाएगी, तो यह वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बंद हो जाएंगे। चंद्रयान 3 14 दिन तक चांद पर बहुत से रिसर्च चेस करेगा साउथ पोल पर। वाटर हीलियम 3, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में पता करेगा। भारत के चंद्रयान का कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलो का रोवर भी शामिल है। विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर मेगा की क्षमता 14 दिनों तक सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद इनकी सूचना मिलनी बंद हो जाएगी, या तो इनकी स्पीड न के बराबर हो जाएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।